देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय नेता एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रम हो रहे थे, वहीं दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी ने काशी के 73 बटुकों के साथ गंगा में दुग्धाभिषेक कर मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम संयोजक महानगर कार्य समिति सदस्य डॉ. पवन शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी भाजपा संगठन व विप्र समाज के संयुक्त तत्वाधान में काशी के बटुक ब्राह्मण अपने सांसद व देश के प्रधानमंत्री के लिए एकत्रित होकर गंगा के सुरम्य तट पर यह विशेष आयोजन कर रहे हैं। रविवार को प्रातः 7 बजे अहिल्याबाई घाट पर काशी के वैदिक ब्राह्मण पंडित उदित नारायण मिश्र के आचरित में सर्वप्रथम सविधि षोडशोपचार पूजन कराया गया। तत्पश्चात वैदिक मंत्रों के बीच केशव जल व दूध से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम दयालु संस्कृत विद्यालय व श्री रामदास काठिया बाबा संस्कृत विद्यालय के 73 बटुकों ने एक साथ जय घोष करते हुए 73 लीटर दूध व केशों मिश्रित जल से अभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्य मंत्री व शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मां गंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था रही है, इसलिए गंगा का पूजन व अभिषेक कर चुनरी चढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विदेश के लोग भी हमारे मोदी जी से काफी प्रभावित है। यही कारण है कि आज भारत देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर पवन शुक्ला, रमेश तिवारी, विशाल औडकर, प्रकाश गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, आशुतोष मिश्र, नितेश चतुर्वेदी, राजू पासवान, विकास व आकाश महाराज आदि शामिल थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अत्यंत स्नेह रखता है और काशी का प्रत्येक व्यक्ति उनके दीर्घायु होने, सतायु होने की अपने इष्ट देव से हमेशा प्रार्थना करता है। आज 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में काशी के विप्र समाज वैदिक ब्राह्मणों द्वारा माँ गंगा का अभिषेक किया गया। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप लोगों को वो उद्घोष याद होगा, जब काशी में आए थे तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के प्रति उनका मातृभाव और माता गंगा के प्रति माता के रूप में जो स्वीकारोक्ति उनके द्वारा स्वयं दी गई, हम लोग माँ गंगा से आज अभिषेक करके ये प्रार्थना किए हैं कि वह इसी तरह भारत राष्ट्र को संकल्प के साथ विकसित राष्ट्र, परम वैभवशाली राष्ट्र, विश्व गुरु राष्ट्र बनाने की अपनी संकल्पना में स्वस्थ रह करके, दीर्घायु हो करके इसी तरह लगातार कार्य करते रहें और देश का विकास इसी तरह उत्तरोत्तर होता रहे।